एपिसोड 30 की स्टार्टिंग होती है और एक लड़की नैनीनो कहती है, मिसेस लू गजब हो गया, न्यू मूवी का केस गलत हो गया और सेकंड सैंपल पूरी तरह से ओरिजिनल स्क्रिप्ट से अलग है, पर फिल्म शूट हो चुकी है। फिर नैनीन कहती है, क्या सेकंड स्क्रिप्ट प्रिंट हो गई? फिर लड़की कहती है, ये लीजिए। फिर नैनीन वो स्क्रिप्ट देखती है और वो लड़की कहती है, मिसेस लू आपको कुछ हुआ है क्या? फिर नैनीन कहती है, मैं ठीक हूँ, हम बहुत जल्द इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक मीटिंग रखेंगे। फिर नैनीन सोचती है, इस कहानी में हीरोइन ने बिजनेस अलायंस के लिए शादी की थी, पर वहीं उसके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर था, फिर उसे फैमिली से निकाल दिया गया था और फाइनली उस आदमी को माफ कर दिया गया, किसी ने मेरी स्टोरी स्क्रिप्ट में डाल दी है। इसके बाद एक मीटिंग होती है और लड़की की, जिसका नाम फैंग है, मैं बताना भूल गया, वो कहती है कॉर्पोरेशन को रोक दो, अगर ये चालू रहा तो इससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा। फिर एक आदमी कहता है, शांत हो जाओ, फिल्म की शूटिंग पहले ही हो चुकी है, अगर अभी हम रुकते हैं तो पैसे गंवाने के लिए तैयार हो जाओ, इस बिजनेस से हमें काफी फायदा हो सकता है, आप इसे अपने फेम के कारण कैसे छोड़ सकते हैं। फिर नैनीन सोचती है, 5 साल पहले मेरे साथ वही हुआ है, और लास्ट में हीरोइन हीरो को माफ कर देती है, इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, जुमयू और रुयुन ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बचा है और वो शिओ चेंग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गो कंपनी दिखती है। फिर शिओ चेंग कहता है, उस फंड की इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? फिर वो बंदा कहता है, मुझे पता चल गया, फंड को एक न्यू मूवी में इन्वेस्ट किया गया है और मैंने सुना है कि फिल्म के प्लॉट हाल ही में बदल दिए गए हैं। फिर शिओ चेंग कहता है, क्या ये सब चुपके से सिर्फ प्लॉट बदलने के लिए कर रहे हैं या इसमें कोई चालाकी छुपी है? फिर वो बंदा कहता है, मिस्टर गुओ क्या आप इस फाइल की डिटेल देखना चाहते हैं? फिर शिओ चेंग कहता है, लाओ दिखाओ। फिर शिओ चेंग वो फाइल देखता है और कहता है, लू नैनीन को कॉल करो, ये ILS को तोड़ना चाहते हैं। फिर वो बंदा कॉल करता है और मिस्टर गुओ आपकी एक्स कॉल नहीं उठा रही है। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और नैनीन जिंग को घर ला लेती है और कहती है, किन देखो कौन आया। फिर किन भागते हुए आती है और कहती है, भाई मैंने आपको बहुत मिस किया। फिर नैनी नैनीन को कहती है, चिंता मत करिए, जब आप जाती हैं तो मिस बहुत अच्छे से रहती हैं। फिर नैनीन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, किन और जिंग बहुत अच्छे बच्चे हैं। फिर वो सोचती है, मैं चाहती हूँ वो हमेशा मेरे बच्चे रहे। इसके बाद नैनीन याद करती है और डॉक्टर कहता है, मिस लू ये रहे आपके बेटे के टेस्ट रिजल्ट। फिर नैनीन कहती है, आप मुझे सीधे सीधे बताइए आखिर बात क्या है। फिर डॉक्टर कहता है, वो बात ये है कि जिंग को एक रेयर बीमारी है और इसे किसी अपने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो मुश्किल से 10 साल की उम्र तक बच पाएगा। फिर नैनीन कहती है, अमेरिका के एक डॉक्टर ने भी यही कहा था, पर उनने कहा जिंग सिर्फ 3 साल की उम्र तक बच पाएगा, पर वो अब 5 साल का है, मुझे विश्वास है कि वो सेफली बड़ा हो सकता है। फिर डॉक्टर कहता है, आपका बेटा सच में एक चमत्कार है, लेकिन ये याद रखिएगा, चमत्कार जादू सब एक रेयर चीज है और आपने जो किया है उससे बचने की कोशिश मत कीजिए। फिर नैनीन कहती है, बच्चों मॉम के पास आओ, जब तक मैं जिंदा हूँ ये चमत्कार होते रहेगा। इसके बाद नैनीन फैंग को बोलती है, शू फैंग मैंने डिसाइड किया है कि इस स्क्रीन स्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। फिर फैंग कहती है, आपका मतलब क्या है? फिर नैनीन कहती है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और किसी भी चीज के मुकाबले इंटरेस्ट मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वहाँ शिओ चेंग आ जाता है और वो कहता है, तुमने 5 सालों में कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया है, क्या जाल बिछाया है, क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा लैनियन? फिर नैनीन फैंग को कहती है, शुफेंग जैसा मैंने बोला वैसा करो, मुझे मिस्टर गुओ से कुछ बात करनी है। फिर वो कहती है, अब तुम आ ही गए हो तो ये क्लियर कर लेते हैं, क्या स्क्रीन स्क्रिप्ट तुम्हारी ईमानदारी दिखाने का तरीका है? फिर शिओ चेंग कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं स्क्रीन स्क्रिप्ट के बारे में समझाने आया हूँ और ये इन्वेस्टिगेशन फाइल ये मेरी ईमानदारी दिखाती है, इसे अपनी मर्जी से निपटाओ। फिर नैनीन सोचती है, ऐसा लगता है कि ये काम शिओ चेंग का नहीं है, और वो कहती है, पता चला कहीं गुओ जिंग युआन बीच में आ रहे हैं और वो स्क्रिप्ट बदल रहे हैं। फिर नैनीन शिओ चेंग कहती है, तुम ये बात मुझे फोन पे भी बता सकते थे, तुम्हें मेरे कंपनी आने की जरूरत नहीं है। फिर शिओ चेंग कहता है, तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।